एवरीवन, आज हम बात करेंगे एनएमआर सिग्नल्स के बारे में कि किस तरह से आपके एनएमआर सिग्नल्स जनरेट होते हैं, किस तरह से उनका ऑरिजिन होता है। इसे हम पीएमआर स्पेक्ट्रम भी बोलेंगे क्योंकि हम सारी बात प्रोटॉन के रेफरेंस में करेंगे यहाँ पर। हाँ जी, तो हमने एनएमआर के बेसिक प्रिंसिपल में हमने ये देखा कि आपका एनएमआर स्पेक्ट्रा किस तरह से आप जनरेट करते हो। आप क्या करते हो, आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो। पहले मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद आपकी क्या होती है, स्पिन स्टेट जनरेट हो जाती हैं। उसके बाद आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अप्लाई करते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को आप क्या करते रहते हो, चेंज करते रहते हो कि जिस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की आप फ्रिक्वेंसी चेंज करते रहोगे कि जिस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर आपका एब्जॉर्प्शन होगा वहां से आपका स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इसी बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे आज। तो हमने क्या किया था वहां पर, सबसे पहले हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था। हाँ जी, तो जब हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, अपने सैंपल को रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होगा, वहां पर दो स्पिन स्टेट्स जनरेट हो जाएंगी। और वो स्पिन स्टेट्स क्या होंगी, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। आप एक कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जब भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे वो वैल्यू क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। तो ये स्पिन स्टेट्स का एनर्जी गैप भी क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, क्योंकि हमने वहां पर देखा था कि जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते जाते हो ये एनर्जी गैप भी क्या होता जाता है, बढ़ता चला जाता है। अब हमने अपने मैग्नेटिक फील्ड को क्या रखा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को कॉन्स्टेंट रखा, तो ये एनर्जी गैप भी क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो होता क्या है बेसिकली कि जब आपके न्यूक्लियाई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाते हैं तो वो एक तरह का मोशन स्टार्ट कर देते हैं, वो अपनी ही स्पिन के अराउंड क्या कर देते हैं, एक मोशन स्टार्ट करते हैं जिसे हम प्रिसेशन मोशन बोलते हैं। प्रिसेशन मोशन का मतलब क्या होता है, ये स्पिन तो करते हैं, न्यूक्लियाई स्पिन करते हैं, तभी तो आपके एनएमआर एक्टिव है ना। हमने डिस्कस किया है एनएमआर एक्टिव एंड इनएक्टिव, ऑब्वियसली एनएमआर एक्टिव है, बट जब इन्हें आपके मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद जब इनकी स्पिन स्टेट जनरेट होती हैं, तो ये स्पिन स्टेट्स बेसिकली हैं क्या, ये मोशन स्टार्ट कर देते हैं। किस तरह से, ये अपनी ही स्पिन के अराउंड इस तरह से मोशन स्टार्ट कर देते हैं, इस तरह से कि आपका ये अगर न्यूक्लियाई है तो ये अपनी ही स्पिन के अराउंड रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। और जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ये एंगुलर मोशन शो कर रहा है, तो यहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, लार्मर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे, लार्मर फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, आपका जो न्यूक्लियाई है वो प्रिसेशन शो करता है, और प्रिसेशन का मतलब क्या होता है, स्पिन एंगुलर मोशन अलोंग इट्स स्पिन, एंगुलर मोशन अलोंग इट्स स्पिन। इस एंगुलर मोशन का यानी प्रिसेशन का मतलब क्या है कि अगर ये आपका न्यूक्लियाई है तो ये इस तरह से स्पिनिंग शो करेगा। प्लस हाफ की अगर बात करूं तो ये क्लॉकवाइज कर रहा है, माइनस हाफ की बात करूं तो सेम ये क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। तो बेसिकली होता क्या है, आपका जो ये तो था कि आपका मैग्नेटिक फील्ड में रखने से क्या हुआ कि आपने अपने सैंपल को रखा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद आपकी स्पिन स्ट्रेंथ जनरेट हो गई, आपका प्रिसेशन मोशन स्टार्ट हो गया, और कि जिस फ्रीक्वेंसी पर ये एंगुलर मोशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, लार्मर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो ये तो हो गया कि आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद आप क्या करते हैं, आप करते हैं साथ के साथ आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपका जो सैंपल है, जब आप इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फॉल करते हैं तो हम डिटेक्टर में ऑब्जर्व करते हैं कि कब आपका, यानी कि किस फ्रीक्वेंसी की, कब आपका जो सैंपल है वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा। किस तरह से, मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, हम ह्यूमन मान लेते हैं कि हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को डाला, उसके बाद हमने डिटेक्टर में चेक किया, अगर आपका 100% ट्रांसमिटेंस हो रहा है दैट मींस एब्जॉर्प्शन हुआ ही नहीं, तो दैट मींस ये फ्रीक्वेंसी को ये सैंपल एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। तो आप क्या करोगे, आप कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी फॉल करके देखोगे,
आपने चेक किया डिटेक्टर में फिर से, अगर मान लो फिर से एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो फिर तीसरी वाली पर जाओगे। तो ऐसे ही आप चेंज करते रहोगे अपनी फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी को कब तक चेंज करते रहोगे? जब तक ये फ्रीक्वेंसी आपकी लर्नर फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं कर जाती है। तो जब ये फ्रीक्वेंसी किसको मैच करेगी? आपकी लर्नर फ्रीक्वेंसी को मैच करेगी, तो वहां पर होगा आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होगा तो आपके न्यूक्लियाई लोअर स्पिन स्टेट से कहां चले जाएंगे? हायर स्पिन स्टेट में चले जाएंगे। तो आपके न्यूक्लियाई कहां चले जाएंगे? लोअर स्पिन स्टेट से हायर स्पिन स्टेट में चले जाएंगे। तो बेसिकली हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी को वेरी किया। तो बेसिकली ये है आपका टोटल। तो जब आपने रेडियो फ्रीक्वेंसी को वेरी किया तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर आपका एड्सॉर्प्शन हुआ और उसी एड्सॉर्प्शन से आपके पास आया सिग्नल। तो एनएमआर सिग्नल के ओरिजिन की हमें बात करनी थी। हमने देखा कि आप क्या करोगे, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, उसके बाद आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज करते रहोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, आपके पास एनएमआर सिग्नल ऑब्जर्व हो जाएगा। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस होता क्या है, इन एक्चुअल प्रैक्टिस हम रखते हैं अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को कांस्टेंट। क्या करते हैं हम अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं और आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को वेरी करते हैं। किस तरह से देखेंगे हम? हाँ जी, तो होगा क्या, हम फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को रखेंगे कांस्टेंट और आपके मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम चेंज करते चले जाएंगे। तो हमने क्या किया, सेम वही है, अब आपका सैंपल भी वही है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की है, कंसीडर कर लीजिए न्यू आपकी फ्रीक्वेंसी है जो कि कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है, आपको डिटेक्टर पर ऑब्जर्व करना है। तो होगा क्या, फ्रीक्वेंसी रहेगी कांस्टेंट, आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है आप उसे चेंज करते चले जाएंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को आप तब तक चेंज करेंगे, यानी इसे तब तक वेरी करेंगे जब तक ये इन न्यूक्लियाई को, ये फ्रीक्वेंसी किससे मैच करनी होती है, आपके न्यूक्लियाई की लार्मर फ्रीक्वेंसी से मैच करनी होती है। तो ये आप तब तक वेरी करते चले जाएंगे, और आपके जो न्यूक्लियाई हैं वो क्यों, कहाँ से आई वो फ्रीक्वेंसी, वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ से आई थी, क्योंकि जब आपने उन्हें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में रखा तभी तो उन्होंने प्रीसेशन मोशन स्टार्ट किया था। तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी तो अब आपकी कांस्टेंट हो गई, यानी ये वैल्यू तो कांस्टेंट हो गई, अब हमें किसको इसके बराबर लेकर आना है, हमें वो लार्मर फ्रीक्वेंसी को इसके बराबर लेकर आना है जो इसकी वजह से जनरेट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जनरेट हो रही है। तो आप मैग्नेटिक फील्ड को तब तक वेरी करते रहोगे जब तक आपकी वो पर्टिकुलर लार्मर फ्रीक्वेंसी नहीं आ जाती जो कि इस अप्लाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं हो जाती। तो उस पॉइंट पर जहां पर आपकी ये अप्लाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी और आपके न्यूक्लियाई की लार्मर फ्रीक्वेंसी जब मैच हो जाएगी, वहां पर आपका क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और आपको डिटेक्टर में ऑब्जर्व हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका ग्राफ प्लॉट होता है वो प्लॉट होता है आपके वाई एक्सिस पर होता है इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन और आपके एक्स एक्सिस पर रहता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ।
हाँ जी, एक्स एक्सिस पर लेफ्ट साइड में आपका रहता है लो फील्ड और राइट साइड में आपका रहता है हाई फील्ड। तो जिस भी पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड पर आपका एब्जॉर्प्शन होगा वहीं पर आपको सिग्नल नजर आ जाएगा। तो जिस भी पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड पर आपका एब्जॉर्प्शन होगा वहीं पर आपको सिग्नल नजर आ जाएगा। तो ये था आपका, इसे ये था आपका एनएमआर सिग्नल या फिर आप कह सकते हो पीएमआर स्पेक्ट्रम के बारे में कि किस तरह से आपका जो सिग्नल है वो जनरेट होता है। अब हम सिग्नल के बारे में, ये जो आपके एनएमआर सिग्नल्स हैं इनके बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें हैं वो डिस्कस करेंगे। डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियोज में जाएंगे, बट हम बात कर लेते हैं आपके एनएमआर सिग्नल्स के बारे में। जी, तो हमने देखा कि आप क्या करते हैं, एक कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी की, कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोवाइड करते हैं, कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोवाइड करते हैं और अपने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को वेरी करते हैं। तो एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास ऐसा होता है जहां पर आपका जो प्रोटोन है वो अपनी स्पिन स्टेट को फ्लिप कर जाता है, दैट मीन्स वो लोअर स्पिन स्टेट से हायर स्पिन स्टेट में रेजोनेट करता है। और ये कब करता है, जब जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, सॉरी जिस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पर आपकी जो फ्लिपिंग की एनर्जी है, आपकी जो फ्लिपिंग की एनर्जी है वो इक्वल हो जाए आपकी अप्लाइड एनर्जी के, या फिर आप कह सकते हो कि जो आपकी फ्लिपिंग के लिए जो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है वो आपकी इक्वल हो जाए आपकी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के। अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के जब इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्नल आ जाएगा। और यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं, किसके रेफरेंस में कर रहे हैं, प्रोटॉन के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं। तो जब हम बात प्रोटॉन की कर रहे हो तो दैट मींस यहां से हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपके जो प्रोटॉन्स हैं, अब प्रोटॉन्स तो प्रोटॉन्स हैं, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अगर हम बात करें, एग्जांपल ले लेते हैं इथेनॉल का, तो इथेनॉल में यहां पर आपके पास 6 हाइड्रोजन है, दैट मींस 6 प्रोटॉन्स हैं, और प्रोटॉन आपके क्या है, एनएमआर एक्टिव है, एनएमआर एक्टिव है। तो जब आप फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करोगे, एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करोगे, तो किसी पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पर आपके जो प्रोटॉन्स हैं वो फ्लिप कर जाने चाहिए। तो हमें ये हम मान करके चल सकते हैं कि आपका, आपके जो ये 6 के 6 प्रोटॉन्स हैं ये क्या होंगे, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, सॉरी एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड पर क्या देंगे, आपको सिग्नल देंगे। तो दैट मीन्स जितने भी प्रोटॉन्स हैं उन सबका सिग्नल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी सेम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पर आना चाहिए वो सिग्नल, या आप कह सकते हो सेम फ्रीक्वेंसी पर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए आपका, और दैट मींस आपका एक सिग्नल आना चाहिए। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, आपको एक सिग्नल नहीं मिलता और ना ही एक पर्टिकुलर वैल्यू पर सिग्नल मिलता है, यानी कि आप एक पर्टिकुलर वैल्यू पर आपको सिग्नल नहीं मिलता, आपका जो सिग्नल, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो वैल्यू है वो भी वैरी करता है और साथ के साथ आपके नंबर ऑफ सिग्नल्स भी वैरी करते हैं। तो अब हमें देखना है कि आपके नंबर ऑफ सिग्नल्स जो हैं, बेसिकली होता क्या है, जो आपके नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं वो डिपेंड करते हैं आपके इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स पर। हम ये टॉपिक अलग से डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली होता क्या है, आपके जो नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं, नंबर ऑफ सिग्नल्स डिपेंड्स करेंगे आपके इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स पर, इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स पर। ये टॉपिक हम अलग से डिस्कस करेंगे, अलग से वीडियो बनेगी इस पर, मिलेगी आपको इस पर। इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स क्या होते हैं, आप किस तरह से बता सकते हैं कि कोई भी दो प्रोटॉन्स इक्विवेलेंट हैं या नहीं है, यानी कि आप यहां से बता सकते हो कि यहां से कितने सिग्नल्स आएंगे, और जो आपके नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स पर। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि कौन से प्रोटॉन्स आपके इक्विवेलेंट हैं, कौन से प्रोटॉन्स आपके इक्विवेलेंट नहीं है, यानी कौन से प्रोटॉन इक्विवेलेंट है, कौन से नॉन इक्विवेलेंट है। दूसरा आपका क्या होता है, आपकी जो सिग्नल्स हैं, आपकी जो सिग्नल की वैल्यू है, यानी जो एब्जॉर्प्शन वैल्यू है, यानी वो किस
पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर होगी या किस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड पर होगी वो डिपेंड करता है उसके लोकल एनवायरनमेंट पर। किस पर डिपेंड करता है? लोकल एनवायरनमेंट पर। और लोकल एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं तो दैट मीन्स लोकल एनवायरनमेंट से मतलब है हमारा कि आपका जो प्रोटोन है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है और किस तरह से इफेक्ट होता है इसके लिए हम पढ़ने वाले हैं शील्डिंग एंड डी शील्डिंग और साथ में हम एक टॉपिक करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट ये भी हम डिटेल में करेंगे। दूसरा डिपेंड करता है आपका नेबरिंग प्रोटॉन्स पर। हाँ जी, तो ये सब था आपका आज के टॉपिक के बारे में। इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में एक एक करके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।